बेसिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या यूवी स्पेक्ट्रा क्या है डिफरेंट पार्ट क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है लास्ट में आपने देखा था एग्जाम्पल कि कोई कंपाउंड का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं इस कंपाउंड में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर सबसे पहले ये डेफिनेशन होने पहले भी आपको बताई थी कि लेमडा मैक्स किसे कहते हैं

और इसके दौरान आपने देखा कि देखो ये आपका डायग्राम है जो ग्राफ आपके सामने आ गया जो आपने वेवलेंथ और एबजोर्वेंस के बीच आपने प्लॉट किया देखो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपने डिफरेंट वेव की लाइट फॉल की सब्सटेंस के ऊपर सॉल्यूशन के अंदर से पास की तो देव वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम टेक्स प्लेस जैसे ये वेवलेंथ है जिसके ऊपर ये मैक्सिमम एबजोर्वेंस हुई तो इसे आप क्या कहते हैं मैक्स ठीक हो गया तो ये डेफिनेशन थी आपकी द वेवलेंथ

करें बेटा बताओ कौन बताएगा साइमेक्स मोलर एक्सटेंशन आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं फंक्शन होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और द इंटेंसिटी ऑफ बैंड जितनी ज्यादा ट्रांजिशन होने की संभावना होगी तभी तो कोई बैंड आएगा अगर देखो आपने देखा था ना कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है मिलेगा नहीं तो जितनी ज्यादा संभावना होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की वो बैंड उतना ही क्या होगा हाई इंटेंसिटी का होगा तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताए कि इस ट्रांजिशन के होने की संभावना कितनी है तो उसके बारे में जो बताता है वो कॉफिशियंट आपका क्या कहलाता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट मैक्स कहते हैं आप इसे क्या कहते हैं आप इसे साई मैक्स ठीक हो गया तो ये डेफिनेशन आपकी आ सकती है तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो बैंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है कम इंटेंसिटी का बैंड दिखे तो इसका मतलब वहां पर उस ट्रांजिशन के होने की संभावना कम थी मीन्स वो ट्रांजिशन आपकी अलाउड नहीं है वो ट्रांजिशन आपकी फॉरविडन है ट्रांजिशन क्योंकि दो टाइप की हो सकती है या तो आपकी अलाउड ट्रांजिशन या फोरबिडन तो जो हाई इंटेंसिटी की दिखाई देंगी ट्रांजिशन जो बैंड हाई इंटेंसिटी का दिखाई देगा वो आपका अलाउड ट्रांजिशन होगी और जो लो इंटेंसिटी का बैंड दिखाई देगा वो आपकी फोरबिडन ट्रांजिशन होंगी तो जो इंटेंसिटी ऑफ द बैंड है वो हमेशा ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि मोर द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था द एक्सटेंट अप टू विच ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी उसे आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कह देते हैं और जो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है जब भी हम इसके बारे में पढ़े तो पहले डिपेंडिंग अपॉन द दिमिट्री फैक्टर द वैल्यू ऑफ साई नोट साई मैक्स जो है उसके बेसिस के ऊपर जो ट्रांजिशन है उनको फर्दर हम क्लासिफाई दो तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको बताया या तो अलाउड ट्रांजिशन होती है या वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है इसकी एक वैल्यू आपने याद की होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये तो अलाउड ट्रांजिशन बोलो आप किसे कहते हैं द ट्रांजिशन इन विच बोलो साई si नोट की वैल्यू कितनी हो आपने याद की हो तो द ट्रांजिशन इन विच द वैल्यू ऑफ साई नोट इज ग्रेटर देन टू पावर फोर आर कोल्ड एज द अलाउड ट्रांजिशन और जिसमें ये वैल्यू टेन की पावर फोर से कम हो वो आपकी कहलाती है फॉरबिडन बिटन ट्रांजिशन तो दो टाइप की ट्रांजिशन एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाए तो इस टाइप से मैथमेटिकली आपको इसको लिखना है इसके बाद जो allowed transitions होती हैं हैं कोई भी हम कैसे बताते हैं कि वो allowed है तो उसके लिए आप use करते थे कुछ rules को जिन्हें आप कहते थे सिलेक्शन रूल्स और जो सिलेक्शन रूल की बातें ना माने ट्रांजिशन फिर भी हो रही है बाय ब्रेकिंग द सिलेक्शन रूल अगेंस्ट द सिलेक्शन रूल जाके अगर ट्रांजिशन होती है तो वो ट्रांजिशन आपकी हाई इंटेंसिटी की नहीं होगी वो लो इंटेंसिटी की ट्रांजिशन उन्हीं को हम ट्रांजिशन कहते हैं देखो जो सिलेक्शन रूल के अनुसार ट्रांजिशन ट्रांजिशन हो जाए अलाउड है जो सिलेक्शन रूल के अगेंस्ट जाके ट्रांजिशन होती है वो फॉरविडन ट्रांजिशन होती है फॉरविडन ट्रांजिशन लो इंटेंसिटी की बैंड देती है अलाउड ट्रांजिशन हाई इंटेंसिटी का बैंड देते हैं और डेफिनेशन क्या थी कि जिसमें साई si नोट की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 4 हो तो अलाउड ट्रांजिशन और 10 की पावर 4 से कम हो वैल्यू साई नोट की तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन तो ऐसे एग्जाम में आपके दो नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस टाइप से जवाब दे सकते हैं जैसे कि नीचे हम ये ड्रा करें आपके लिए दोबारा से वही ग्राफ देखो जैसे हमने बताया था तो ये कौन सी थी जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो जाए तो वो वैल्यू कौन सी थी मैक्स ये वैल्यू कौन सी थी आपकी लेमडा मैक्स ये दूसरा कोई ग्राफ आ गया तो उसके अंदर लेमडा मैक्स की वैल्यू आपने देखा ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा ग्राफ लोट करें देखो इस स्टेप से ये लेमडा लेमडा मैक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गई देखो ये आ गई तो यहाँ पे आपने क्या देखा एब्जॉर्बेंस कम ज्यादा हो रही है जो इंटेंसिटी है जो ऊंचाई है ऊंचाई जो है बैंड की वो कम हो रही है एक डायग्राम में, में ज्यादा हो रही है दिख रही ना आपको जो हमने कंपेयर करके दिखा ग्रीन लाइन से डोटेड लाइन से हमने शो किया पहले में कंपैरिजन किया तो हमने क्या दिखाया कि किस बढ़ गई दूसरे में हमने क्या दिखाया ग्रीन लाइन डॉटेड डॉटेड नीचे ही सेम मैक्स के ऊपर तो लेर्वेंस कम होती हुई दिखाई ज्यादा होती हुई हमने दिखाई तो अब बेसिक चीज क्या आ जाती है जो स्टडी की गई कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है तो अलाउड होते हैं क्यों होते हैं अलाउड पीछे आपने पढ़ा था बेसिक जो चीजें आपको बताई गई थी वो क्या बिकॉज जो पाई पाईमोलिकल ऑर्बिटल है और पाई स्टार जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन इसीलिए वो ट्रांजिशन बड़ी आराम से हो जाती है इसलिए वो अलाउड ट्रांजिशन हो जाती है और इसी बेसिस के ऊपर अगर कहा जाए कि इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन बड़ी आराम से होगी तो हाईली प्रोबेबल ट्रांजिशन भी वही होंगी हाई इंटेंसिटी का बैंड भी वो दे देंगी लेकिन जो ट्रांजिशन होती है एन टू पाबीट ट्रांजिशन क्यों कहलाती है वो इसलिए कहलाती है कि एन जो नॉन बॉन्डिंग वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं और जो पाई स्टार वाले ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर अदर आपको पता है ना अगर एक ही प्लेन में होंगे तो इजीली ट्रांजिशन हो जाएगा लेकिन अगर परपेंडिकुलर कोई दो चीजें हैं तो क्या ट्रांजिशन आराम से होगा नहीं होगा तो बड़ी बेसिक सी बातें आप ध्यान रखिए कोई कह दे कि पाई टू पाई स्टार्ट ट्रांजिशन क्यों हो गई तो आप सिंपल जवाब माइंड में रखें बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन सो दीज ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस इजिली कोई आपको कहे एन टू पाइव स्टार ट्रांजिशन क्यों नहीं हुई वो फॉरविड एन ट्रांजिशन क्यों है वो लो इंटेंसिटी की ट्रांजिशन क्यों है उनका जो बैंड है लो इंटेंसिटी का क्यों होता है तो अब जवाब क्या देंगे अब जवाब यही देंगे कि जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर बेटल्स है और पाइव स्टार मोलिकुलर बेटल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर होंगे तो ट्रांजिशन इजिली नहीं हो पाएगी तो इसलिए के बारे में था और जो पहले वाला था उसमें ग्रीन डॉटेड लाइन देखो हमने ऊपर दिखाई है कि आराम से ट्रांजिशन हो रही है वो अलाउड ट्रांजिशन के बारे में बताया गया था इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी कुछ एक और डेफिनेशन बड़ी बेसिक सी जो एग्जाम में आती है कि डिफाइन क्रोमोफोर्स नाम से पता चलता है क्रोमा का मतलब क्या होता है बताओ कौन बताएगा क्रोमा कलर क्रोमा का मतलब कलर फोर का मतलब प्रोड्यूसिंग कलर देने वाले ग्रुप तो इसलिए वो सारे फंक्शनल ग्रुप वो सारे एंटाइटीज किसी भी कंपाउंड के अंदर विच गिव्स कलर टू द कंपाउंड विच इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड आप उन्हें क्रोमोफोर्स कहते हैं आप उन्हें क्या कहते हैं क्रोमोफोर्स कह देते हैं जैसे जितने भी डबल बॉन्ड दिख जाए डबल ट्रिपल कार्बन कार्बन के बीच हो कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हो दिज ऑल एक्ट एज द क्रोमोफोर्स ये सारे के सारे क्रोमोफोर्स का काम करते हैं और जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं ये अब्सोर्व करते हैं लाइट को इन दैट पर्टिकुलर रेंज जो विजिबल रीजन की रेंज है बोलो विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो कहां से कहा पे होती है थ्री नाइनटी टू सेवन एटी नैनोमीटर ये मिलीमीटर नहीं है ये नैनोमीटर है ये गलती से यहाँ पे एम लिखा गया ये नैनोमीटर है यहाँ पे क्योंकि विजिबल रीजन को हमारी आई इजिली डिटेक्ट कर लेती है हमें चीजें कलर्ड दिखाई दे जाती है ये नैनोमीटर की फॉर्म में है आप एंगस्टोन में लिखना चाहे तो क्या लिखते आप एंगस्टोन में लिखते तो थ्री नाइन डबल जीरो से लेके सेवन एट डबल जीरो लिखते तो आप ऐसा लिख देते अगर आप इसको किस फॉर्म में लिखते एंक्टोन की फॉर्म में आ गई बात समझ में तो आपके कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है देखो 390 से 780 ये तो नैनोमीटर है अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं क्या होता है 10 की पावर माइनस में 10 मीटर तो आप लिखते 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो बीटा कैरोटीन है उसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है तो वो 451 नैनोमीटर है और आप देखें 451 फिफ्टी वन कहाँ पे आ गया आ गया ना उसी रेंज में जो अभी हमने ऊपर बताया था विजिबल जो रीजन की रेंज है 390 से लेके 780 के बीच में इस रेंज में कोई भी सब्सटेंस क्या देता है कलर प्रोड्यूस करता है तो इसलिए क्वेश्चन बन गया भाई बेटा कैरोटीन लेमडा मैक्स इज इक्वल टू फोर फिफ्टी वन नैनोमीटर इज कलर्ड वो कलर्ड क्यों है कलर्ड का सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में इसके अंदर इलेवन डबल बॉन्ड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन कंजुकेशन क्योंकि आप सभी जानते हैं इस वेवलेंथ में लाने के लिए क्या करें आप अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है कंजुकेशन में है तो क्या होगा होगी ना पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो सकती है मूवमेंट जैसे बेंजीन में आपने कभी पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स की देखो अगर मैं एक एंड से दिखाई दूं तो देखो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाए ये आगे चला जाए ये आगे चला जाए देखो इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी मूवमेंट हो जाएगी हो जाएगी बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन की ऐसे फर्दर देखो मूवमेंट होती मोर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे मूवमेंट होती चली जाएगी जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है आपको पता है ना डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसे ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को क्या बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डीलोकेलाइजेशन रेजोनेंस प्रोसेस चली है इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन हो गई एनर्जी बाहर निकलेगी उस निकली हुई एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं तो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी

तो ये जैसे मैंने नीचे लिख भी दिया कि एनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है वेवलेंथ इस के के बेसिस ऊपर इसलिए बीटा कैरोटीन हमें कलर्ड दिखाई दे जाता है इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अपना अपनी डेफिनेशन ऑक्सोक्रोम्स देखो आपके पास कोई कलर तो आ गया किसी कंपाउंड में लेकिन हम चाहते हैं कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाए रेड कलर है हल्का लाल रंग है हम चाहते हैं वो गाढ़ा लाल हो जाए उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए तो वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं

ये कलर को गाढ़ा करने वाले ग्रुप होते हैं तो ये सारे वही ग्रुप हैं जैसे एनएच ग्रुप आप जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है बेटा पेयर पेयर ये एमीन नाइट्रोजन के ऊपर है है ग्रुप तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो दो दो लॉन पेयर होते हैं ओ सी एस ग्रुप है तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो दो दो लॉन पेयर होते हैं है तो है, अगर ये ग्रुप हम अटैच कर दें दे पे अटैच कर दें एक ऐसी जगह पे अटैच कर दें जो ग्रुप की इंटेंसिटी को बढ़ा दे जो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा दे

इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन बढ़ने से क्या होगा ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी एनर्जी ज्यादा बाहर तो खुद की एनर्जी कम और एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा यही तो हमारा क्वेश्चन है कि वेवलेंथ क्यों बढ़ती है तो देखो वही हम लिखेंगे कि इट इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द ऑक्सोक्रोम टू एक्सटेंड द कंजुगेशन जो ये ऑक्सोक्रोम होते हैं जो ग्रुप होते हैं एनएच टू ओ एच क्योंकि इनके पास लॉन पेयर है लॉन पेयर की वजह से कंजुगेशन बढ़ जाएगी एक्सटेंड हो जाएगी एक्सटेंड का मतलब बढ़ जाना कंजुगेशन ज्यादा होगी

आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और ये बेसिक फैक्ट आपको पहले बताए थे एनर्जी टू वेवलेंथ होती ही है इसके बाद नेक्स्ट आपकी दो डेफिनेशन ये बाथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शिफ्ट्रोमिक शिफ्ट।, शिफ्ट का क्या मतलब है द द द वेवलेंथ शिफ्ट इन मैक्सिमम एबजॉर्बेंस वेवलेंथ की तरफ अगर शिफ्टिंग हो जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्टर वेवलेंथ की हो तो हिप्सोक्रोमिक बोल देंगे अब इनका डायग्राम देखते हैं और ये बढ़ती क्यों है बोलो बाथोक्रोमिक शिफ्ट कब होती है अभी आपने देखा था ना बाथोक्रोमिक शिफ्ट कब होती है आपने ऑक्सोक्रोम लगाया था ऑक्सोक्रोमिक देखो ऐसा ग्रुप जिसके पास बान पेयर थे वो ग्रुप लगाते ही क्या हुआ था कंजुगेशन बढ़ गई कंजुगेशन बढ़ने से क्या हुआ था आपकी एबजॉर्बेशन एक्सप्रेस टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ अगर एबजॉर्बेशन होती है तो उसी को आप कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट अगर हम कंजुगेशन घटा दें

पहले मैक्स की वैल्यू कितनी थी जो रेड कलर से शो की बाद में वेव की वैल्यू देखो इंक्रीज हो गई ये है वो वेव लेंथ अब जिसके ऊपर एब्जॉर्बेंस हो रही है तो इट बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस दूसरे डायग्राम में देखो पहले आपकी एब्जॉर्बेंस कुछ ऐसे हो रही थी फिर हमने क्या किया इसके बाद हमने कंजुगेशन घटा दी हमने डबल बॉन्डो की संख्या घटा दी तो एनर्जी कम निकली वेवलेंथ घट गई तो देखो वेवलेंथ कम कैसे करें ये हमने शो की देखो ये तो लेमडामेक्स पहले है अब ये बाद वाली है तो देखो ये है वो ग्रीन कलर वाली मैंने दिखाई एट मैक्सिमम देंस टेक्स प्लेस तो यहाँ पे मैक्स की जो ग्रीन वाली वैल्यू है रेड वाली से क्या हो गई कम हो गई ना इधर तो अगर वेवलेंथ घट जाए वेवलेंथ क्या हो जाती डिक्रीज हो जाती है लोअर वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम एब्जोर्बेंस होती है तो शिफ्ट

होंगी बोलो कोरिलेट ये इंटेंसिटी के साथ जो हमने पीछे बताया था ना साइन नोट की वैल्यू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कि इंटेंसिटी बढ़ गई इंटेंसिटी घट गई मतलब कलर लाल रंग ही है लेकिन गाढ़ा लाल हो गया मींस कलर की इंटेंसिटी बढ़ना वो आपकी हाइपो और हाइपर होंगी हाइपर का मतलब ज्यादा कलर का गाढ़ापन बढ़ जाना कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाना हाइपो का मतलब कम मतलब कलर की इंटेंसिटी कम हो जाना तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आप देखना मींस मीन देखो अगर कोई कंपाउंड ज्यादा कर रहा है और 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 ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लाइट को कर ले तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अगर कोई कंपाउंड लाइट को कम एब्जोर्व करेगा तो लाइट को कम एब्जोर्व करेगा तो क्या होगा कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी कलर की इंटेंसिटी बेटा क्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो अब देखो डेफिनेशन तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है शिफ्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड डिक्रीजेस एट द सेम लेक्स इज कोल्ड दाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपर क्या होगा मीन्स इंटेंसिटी का बढ़ जाना दिफ्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड इनक्रीजेज एट द सेम लेक्स अब डायग्राम के थ्रू आप देखें देखो हमने क्या किया ये हमने एक डायग्राम आपके सामने बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जिसमें आप देखें वही ग्राफ लेमडा और एबजोरवेंस के बीच शुरू में आपका यह कोई ग्राफ था ये लेमडा मैक्स की वैल्यू है इसी मैक्स की वैल्यू के ऊपर आप बड़े ध्यान से ग्राफ की तरफ देखते चले जाए हम क्या शो कर रहे हैं अब आप, आप ये बताओ इस ग्राफ की ऊंचाई जो है बैंड की ऊंचाई बढ़ा दें या घटा दें हाइपोक्रोमिक है तो हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब होता है हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है बताओ क्या होगा हाइपोक्रोमिक का मतलब इंटेंसिटी कम कर देना एबजॉर्बेंस कम कर देना तो देखो एब्जॉर्बेंस कम हो गई होगी ना कम देखो ग्रीन कलर से दिखाई एब्जोर्बेंस कम हो गई तो ये है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट अब दूसरी शिफ्ट देखें आप ध्यान से दूसरा डायग्राम इसके अंदर क्या दिखाया वही ग्राफ लेकिन अब दोबारा अगर हम शिफ्ट करें हाइपरक्रोमिक करानी है हमें बोलो क्या करें एब्जॉर्बेंस बढ़ा दो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा कंपाउंड तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब किया तो देखो पहले मैक्स यही थी अब भी मैक्स सेम रहेगी लेकिन ऊंचाई बढ़ गई देखो सेम मैक्स के ऊपर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू देखो बढ़ गई तो उसे कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया क्लियर तो इस टेप से आपको एग्जाम में जब ये डेफिनेशन आए तो आपको डायग्राम भी बनाना है अच्छे से इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं एक ही ग्राफ के अंदर इकट्ठा दिखाते हैं इन सभी को इकट्ठे देखो ध्यान से ये सारे डायग्राम इकट्ठे अब देखो जो हमने पहले ये मैक्स की कोई वैल्यू हमने दिखा दी देखो ये यहां पर मैक्स हमने बाथोक्रोमिक किधर होता है बोलो शिफ्ट इस ग्राफ के अंदर इधर चलेगा आगे राइट साइड में चलेगा और हाइपो हिप्सोक्रोमिक बोलो इधर बैक साइड में चले देखो इधर और हाइपरक्रोमिक का मतलब

बताओ बेटा पाई टू पाई स्टार हाइट इंटेंसिटी का क्या होता है क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। दोनों सेम सेम प्लेन होते होते हैं हैं क्योंकि के अंदर पहली चीज दूसरी ये सिलेक्शन रूल के अनुसार चलते हैं थी, बताई थी ना दोनों बातें अभी पीछे कि वो सेम प्लेन में भी होते हैं दूसरा सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं सिलेक्शन रूल क्या कहता है ट्रांजिशन कहां से कहां पे अलाउड होती है कहा से गैरड या गैरड से अनगैरेड वो तो होती है अलाउड अनगेरेड से अनगैरेड फॉरबिडन गैर बिडन तो यहां पे क्या हुआ जो ट्रांजिशन होती है पाई पाई टू तो दूसरा क्या था गैर तो अलाउड है वो ट्रांजिशन बोलो क्या है वो, ट्रांजिशन है वो आपकी सिलेक्शन रूल के अनुसार जैसे ये डायग्राम भी हमने बताए थे अनगेरेड है ये गैरड है इकट्ठे दिखाया हम दोनों को मिला के ये ट्रांजिशन हो गई देखो बड़े आराम से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गई लेकिन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो सिमेट्रिकली फॉरबिडन है सिलेक्शन रूल के अनुसार इसलिए पाई पाई टू स्टार जो ट्रांजिशन होती है वो हाई इंटेंसिटी की होती है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन लो इंटेंसिटी की होती है जैसे एन को देखो ये पाई स्टार को देखो जब ट्रांजिशन होती है क्योंकि सेम प्लेन में नहीं इनमें से इसीलिए ट्रांजिशन आराम से नहीं होती अब आप इधर देखो ध्यान से इस ग्राफ के अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एब्जोर्बेंस देखो ज्यादा है अब एंड टू पाई स्टार वाले को देखो ओ, दिखा है है ना एब्जौर्णस? लो देखो यहां पे है, यह यहां पे ये ये वैल्यू वैल्यू मैक्सिमम की इसमें ज्यादा है इसमें एब्जोर्बेंस की वैल्यू देखो क्या है कम दिखा रखी ग्राफ के अंदर क्लियर हो गया डायग्राम के अंदर ये डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होती है उस चीज को क्लियर करने के लिए देखो पाई टू पाई स्टार के अंदर ज्यादा है ज्यादा ऊपर तक दिखा रखी है ये N to pi star वाला बैंड नीचे दिखा रखा है लो एब्जॉर्बेंस है यहां पे लो इंटेंसिटी का बैंड होगा वो हाई इंटेंसिटी का ज्यादा ऊंचाई वाला बैंड होगा अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को वही रिपीटेशन होगा जो हमने पीछे देखा अगर हम डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ा दें कोई लॉन पेयर वाला ग्रुप ले आए तो उसे कहते हैं पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन जैसे आपके पास कंपाउंड है एक तो ब्यूटाडाइन है जिसके अंदर देखो दो दो डबल बॉन्ड है डबल सिंगल डबल एक इथाइली है इथिन है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा तो ब्यूटाडाइन में देखो इलेक्ट्रॉन की हो गई ना मूवमेंट अभी मैंने एरो से दिखाया तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो गया आपके ब्यूटाडाइन के अंदर लेकिन इथिन के अंदर तो ऐसा नहीं होगा तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी निकलेगी ब्यूटाडाइन में में ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी और एनर्जी ज्यादा बाहर निकल गई तो खुद की एनर्जी की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एनर्जीन तो 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 के केस में क्लियर हो गया तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो तो उसे बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं उसे कौन सी शिफ्ट कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट तो आपसे पूछ लिया जाए ब्यूटाडाइन और इथिन दोनों में से किसके अंदर आपकी वेवलेंथ जो एब्जॉर्बेंस होगी टूअर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो ब्यूटा ब्यूटा के अंदर होती है ये जो हमने क्लियर यहाँ पे आपके सामने शो किया इसको हम ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं ग्राफ हुआ अब देखो ये मैक्स की वैल्यू थी ये अगला ग्राफ हमने शो कर दिया ग्रीन कलर से तो ये हमने शो किया कि ब्यूटा के अंदर जो शिफ्टिंग हुई है एबजॉर्बेंस जो हुई है टूअर्स द लॉन्गर वेवलेंथ हुई है

गया समझ में यहां तक अब हम इसके बाद ये हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैक्स वैल्यू इनको हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बाद हम एक टॉपिक और लेंगे अभी